मॉर्निंग का है टाइम और मैं अभी लौट रही हूँ बेटे को स्कूल में छोड़कर, और अभी उसके समर वेकेशन नहीं हुए हैं। और सॉरी, बहुत टाइम बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एक साथ, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ। और आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन का जो मेरा वेट लॉस रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में अभी मैं चली गई थी, सुबह मॉर्निंग में मैंने गर्म पानी पिया था, उसके बाद बेटे को स्कूल छोड़ने चली गई थी। तो उसके बाद आ गई हूँ घर और यहाँ पे मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं। आज मैं डिटॉक्स डे भी करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये मौसम्बी, साथ में पुदीना है, लेमन है, आप देख सकते हो कुकुम्बर है, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लेनी है। और समर स्टार्ट हो गए हैं तो डिटॉक्स करना और वेट लूज़ करना थोड़ा सा ईजी है, आपका वेट जाएगा अगर आप इस टाइम पे कुछ डिटॉक्स ड्रिंक लेते हो या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा भी चेंज करते हो अपने फूड हैबिट्स में, तो आपका वेट ईजली से जाने लगता है। 32 बार मैं करती हूँ, जैसे सबको पता है 32 बार का मतलब ये नहीं है कि आपको 32 बार चबाना है, मीन्स ये है कि आप जो भी खाते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चबाओ जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में आए और तब अंदर जाए, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो और आप बॉडी को हील होने का भी टाइम मिले, आपके पेट में कचरा ना जमा हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिया है इस तरह के जार में, और इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर कांच का हो जार तो वो ले लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, तो इसको ऐड करने के बाद ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा डिटॉक्स ड्रिंक बन जाएगा, जिसको मैं थ्रो आउट डे पीऊँगी। पहले भी कई बार मैंने वीडियो में ये बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है अपना फैट कटर के लिए, मतलब जो आपका टमी का फैट होता है वो बहुत ही ईजिली जाता है इससे। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसे मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले बना लेती हूँ, या कभी कभी आने के बाद इसको आधे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखती हूँ, उसके बाद से इसको पीना स्टार्ट करती हूँ। ये इन्फ्यूज़्ड वाटर बन जाता है, इसमें वाटर जैसे जैसे कम होता है हम ऐड कर लेते हैं। इसे शाम को 6 बजे से पहले तक मुझे फिनिश कर देना होता है। तो आप भी बनाओ, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत ईजी भी है, और सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब आप कुछ भी खाओ, आप ये पानी पीती रहोगी, आपको बहुत ही लाइट फील होगा, हैवीनेस नहीं आएगी, साथ ही साथ बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, स्किन पे भी ग्लो आएगा। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेमेडी को। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये मैंने बना लिया है अपना डिटॉक्स वाटर, और अभी जो समर जब से स्टार्ट हुए हैं तो मेरा जो फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो यही होता है, तो इसको मॉर्निंग में बना लेती हूँ। अब हाफ एन आवर के बाद सिर्फ कंटिन्यूसली इसको ही पीऊँगी जब भी प्यास लगेगी। ये 1.5 लीटर का जार है, तो इसको रिफ़िल करती रहूँगी और एटलीस्ट 4 लीटर्स तक पीऊँगी, और मतलब जितना भी हो जाए पूरे दिन में, मतलब शाम 6 बजे तक यही पीऊँगी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, रिफ्रेशिंग है, साथ ही साथ आपके जो टमी फैट है, टमी का एरिया जो है उसको कम करता है, बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्सीफाइंग है, मतलब बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई कर देता है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है। मैं हर समर में इस तरह के डिटॉक्स बनाती हूँ, और जो अभी सीरीज स्टार्ट हुई है 30 डेज की, इसमें भी मैं एटलीस्ट 2 डिटॉक्स तो आपको बता ही दूंगी। तो स्टे ट्यून, वीडियो को फुल वॉच करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं और मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा कम आ रही होगी क्योंकि मुझे थ्रॉट का इन्फेक्शन हुआ है, बट जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे है आलू का पराठा, 1 हरी मिर्च और दही। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही है, फिर देखते हैं, सारा काम करते हैं, बेटे को लेकर आते हैं, फिर देखते हैं लंच में हम क्या खाएँगे। तो मिलती हूँ। हाय गाइस, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं अली को स्कूल से लेने गई थी और लौटते में ऐसा हुआ कि हमें पैदल ही आना पड़ा इतनी दूर से, क्योंकि वैसे तो इतनी दूर नहीं है, अगर मतलब होगा 3 किलोमीटर तो हो गई, अगर धूप ना हो तो ठीक से मतलब आ सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ट्रैफिक था, बस ख़राब हो गई थी,
बीच में, तो हमें पैदल आना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब इतना थकान हो गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, अभी स्कूल उसका 2-3 दिन और है, फिर उसकी छुट्टियाँ हो जाएंगी, उसके बाद समर कैंप स्टार्ट होगा। तो अली भी थक गया था, अभी भी वो उठा है। अभी मैं जा रही हूँ खाना वगैरह देने, और मैंने आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया है कि मैं कितना चल रही हूँ, मतलब अभी से मतलब अभी जाने और आने में तो 5400 कुछ स्टेप्स चली हूँ। 10,000 मुझे डेली चलना होता है, मुझे लग रहा है आज ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलिए चलिए मिलते हैं खाने पे, अभी जा रही हूँ, लंच का टाइम हो रहा है, 1 बज गए हैं, तो अली को भी लंच कराती हूँ और मैं भी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। साथ में ये सारा सैलेड, राजमा चावल है, और आपको लगेगा वेट लॉस में मैं ये सब खाती हूँ, तो जी हाँ, मैं वेट लॉस में ये सब खाती हूँ मैं, और आराम से मेरा वेट जाता है, क्योंकि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, 32 बार च्यू करना है, हेल्दी फूड खाना है और घर का खाना खाना है, मतलब बाहर का कुछ भी जंक फूड नहीं खाना है। वीक में एक दिन आप खा सकते हो कुछ भी अपना पसंद का, लेकिन वो भी आप घर पे बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ गर्मियों में सलाद दही खूब सारा लें, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगी और बीमारियों से बचे रहेंगे, साथ ही साथ वेट लॉस तो हो गई होगा। आप यहाँ पर मेरी राइस की क्वांटिटी देख सकते हो, बहुत ही कम है, और आप जब भी राइस लो तो उसके साथ रोटी मत लो, अगर रोटी लेते हो तो उसके साथ राइस मत लो, मतलब आपको एक ही ग्रेन लेना होता है वेट लॉस के लिए, अगर आप वेट लॉस पे हो तो। मैंने आज राइस लिए हैं, राइस की क्वांटिटी बहुत कम है, साथ में बहुत सारा सैलेड है, और ये मैं खाऊंगी। सुबह मैंने आलू का पराठा, एक पराठा खाया था दही के साथ, आलू जो है वो मैं बॉईल करती हूँ, जिससे उसका सारा फैट निकल ही जाता है, स्टार्च निकल जाता है, अच्छे से वॉश करके उसको बिना फ्राई करे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकती हूँ आप, मैं इंजॉय कर रही हूँ 32 बार अपने फूड को, और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। फ्रेंड्स, नाइट में मैंने सोचा है कि मैं ओट्स ही खाऊंगी, और जो मेरा डिटॉक्स वाटर है वो थ्रू आउट मैं पूरा दिन से पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हो गया है इवनिंग का टाइम, और मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज। तो दिन ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं चलता, और अभी से रेगुलर वीडियो आएंगे, हम 1 मंथ का चैलेंज भी लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।